हाय स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं कि डिवाइन आपको इस समय क्या है, अर्जेंट मैसेजेस जो आपको देना चाहते हैं इस समय, आपको क्या बहुत ज़रूरी डिवाइन बताना चाहते हैं आपके लिए, क्या बहुत ज़रूरी जानना है। ठीक है, इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूँ, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। 29th of May से टैरो लर्निंग कोर्स जो है, प्रोफेशनल टैरो लर्निंग कोर्स स्टार्ट हो रहा है। मैं एक फोर्थ बैच अपना स्टार्ट कर रही हूँ, लेकर के आ रही हूँ। अगर आप भी अपनी इनर विजडम से, इनर नॉलेज से कनेक्ट होना चाहते हैं, टैरो सीखना चाहते हैं, एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को सीख सकते हैं मेरे साथ। और इस कोर्स में सिर्फ और सिर्फ आपको टैरोट कार्ड्स ही नहीं सिखाए जाएंगे, उनको पढ़ना ही नहीं सिखाया जाएगा, इसके साथ ही साथ और भी बहुत चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे कराने वाली हूँ। ठीक है, तो और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, नंबर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, आपकी रीडिंग को स्टार्ट करें। उसके लिए इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए, ताकि आप यहाँ से मैसेजेस रिसीव कर पाए स्कॉर्पियो, उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होइए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से, इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है सबसे बड़ी बात, और रिसीविंग मोड में रहना है। ठीक है ना, तो जो भी यहाँ पे मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो आपके किस एरिया में जाने हैं वो आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी। ठीक है, तो ओपन माइंडेड होकर के प्लीज़ ये मैसेजेस लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। माँ बाबा प्लीज़ बताएं, जितने भी आपके बच्चे स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको आप इस समय क्या बताना चाहते हो, उनको इस समय क्या जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्या बात है जो उनकी मदद कर सकती है, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस मैसेज क्या आप उन तक पहुँचाना चाहते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए, प्लीज़ बताएँ अपने बच्चों को। ओके, प्लीज़ बताएं माँ बाबा उनको क्या आप कहना चाहते हो। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपके लिए आ रहा है, ओ माय गॉड, आर्कएंजल माइकल है यहाँ पर। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बात तो आप प्रोटेक्टेड हो माय डियर स्कॉर्पियो। आर्कएंजल माइकल आपको किसी चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनकी प्रेजेंस है यहाँ पर बिल्कुल, और वो आपको किसी प्रॉब्लम से, किसी दिक्कत से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ वो एनर्जीज़ को, और वो आपको बस ये कह रहे हैं कि आप इस समय जो है ना, अगर किसी सिचुएशन में ट्रस्ट हो, ये जिसके लिए भी मैसेज है, आप किसी सिचुएशन में भी स्टक्ड हो, प्लीज़ उन पर विश्वास रखिए। वो आपके आसपास है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन पर विश्वास करो। वो आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको मैसेजेस दे रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, तो प्लीज़ फॉलो योर इंट्यूशन स्कॉर्पियो। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, अपनी अंतरात्मा को, अंतरात्मा की आवाज़ को, इनर वॉइस को आपको फॉलो करने के लिए यहाँ पर आर्कएंजल माइकल बोल रहे हैं। ठीक है, वो आपको आपकी इंट्यूशन के थ्रू गाइड कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, स्पिरिचुअल सपोर्ट। यस डेफिनेटली, क्योंकि आर्कएंजल माइकल है यहाँ पर, तो स्पिरिचुअल सपोर्ट भी है, तो आपको पूरी तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है। आपकी स्पिरिचुअल टीम, आर्कएंजल माइकल खास करके, वो आपके साथ हैं। अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हो, ये आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज इस समय आ रहा है आर्कएंजल माइकल आपको दे रहे हैं स्कॉर्पियो। अगर आप इस समय किसी सिचुएशन में स्टक हो ना, प्लीज़ कोड कट कीजिए, आप आर्कएंजल माइकल को बुलाइए। किसी पर्सन की के साथ एक, जैसे कहते हैं ना, नेगेटिव अटैचमेंट, ठीक है, किसी टॉक्सिक सिचुएशन में हो, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो,
ठीक है, या फिर किसी रिलेशनशिप में कोई टॉक्सिसिटी आ गई है, समझ रहे हो आप, कोई नकारात्मकता आ गई है, प्लीज़ कोल्ड कट कीजिए। आई मीन आर्क एंजल माइकल को बुलाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो कोल्ड कट करें आपकी उस सिचुएशन से या उस पर्सन से। हेल्थ है यहाँ पर, ओके। ओह माय गॉड, मैंने आपको बोला यहाँ पर आर्क एंजल माइकल है, मैंने बिल्कुल भी, मुझे आपके सामने मैंने निकाले, मैं यहाँ पर देख नहीं रही हूँ, एक्चुअल में मैं अपने कैमरा में देख रही होती हूँ कि यहाँ पर आपको ठीक से दिखाई दे रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं फ़ोन से शूट करती हूँ वीडियो, तो मेरी नज़र वहाँ पर होती है ज़्यादा, ठीक है, कि आपको यहाँ पर ठीक से दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, ब्लर तो नहीं हो रहा है, मैंने यहाँ पर बिल्कुल ही देखना। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फ्री योरसेल्फ। ओह माय गॉड, डेफिनेटली आपको कोर्ड कट करने की ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है। किसी सिचुएशन में अभी ये आपकी खुद की कोई हैबिट हो सकती है, आपकी खुद की कोई हैबिट भी हो सकती है, किसी एडिक्शन में आप हो सकते हो, ठीक है, या फिर आप किसी एडिक्शन में हो सकते हो, या फिर किसी सिचुएशन में स्टक हो सकते हो, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक हो सकते हो, या फिर किसी दुविधा में भी हो सकते हो, अब वहाँ से निकल नहीं पा रहे हो क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हो। और ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस, आप लोगों को पता है कि आपको इस सिचुएशन में करना क्या है, बट आप अपनी तरफ से वो एक स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। तो डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि आर्क एंजल माइकल हैं आपके लिए गाइस, यहाँ पर उनके साथ काम कीजिए, वो आपके आस पास ही हैं, मैं वहाँ पर देख रही हूँ, वो जैसे आपके लिए डोर्स जो हैं ओपन कर रहे हैं, पर आपको उस रास्ते पर चलना है। ये एक वही वाली एनर्जीज है कि आपकी आंखों पर पट्टी बंधी है और बस एक हवा का झोंका आ रहा है, वो आपको गाइड कर रहा है कि इस रास्ते पर आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये एक अननोन पाथ भी हो सकता है, एक ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि होता है ना कि मैं ट्रस्ट करूँ या नहीं करूँ इस डायरेक्शन पे। तो यहाँ पर आके एंजल माइकल आप कह रहे हैं आप सेफ हो, आप प्रोटेक्टेड हो, प्लीज़ ट्रस्ट करो अपनी इंट्यूशन पर, क्योंकि वो आपको आपकी इंट्यूशन के थ्रू गाइड कर रहे हैं गाइस, और इंट्यूशन के थ्रू गाइड कर रहे हैं, या फिर जैसे आप ये रीडिंग देख रहे हो इस रीडिंग के थ्रू आपको गाइड कर रहे हैं। प्लीज़ जो आपको अंदर से क्लिक हो रहा है ना कि मुझे ये काम करना है, लेकिन एक फियर भी आ रहा है, ठीक है, एक आप वो चांस भी ले रहे हो कि करूँ या नहीं करूँ, ये ठीक होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पर वो एक यस है, यस ठीक है, आप आगे बढ़ो, फॉलो योर इंट्यूशन। रिकंसिलिएशन के चांसेस है, अगर आपकी ये रिकंसिलिएशन मैरिज के रिगार्डिंग हो सकता है, कुछ लोगों के एक्स वापस आ सकते हैं, या फिर ये पर्टिकुलर किसी भी पर्सन के साथ हो सकता है। इवन मुझे ये रिकंसिलिएशन जो है आपके ये करियर के रिगार्डिंग भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। रिकंसिलिएशन कहने का मतलब कि कहीं पर आपने बहुत काम करा था, कहीं पर आपने बहुत मेहनत करी थी, ठीक है, कहने का मतलब कहीं आपने बहुत अपना 1000% दिया, ओके, किसी इंटरव्यू में, ओके, लेकिन वहाँ से होता है ना कि रिजेक्शन मिला, समझ रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई फ़ोन कॉल आ सकता है आपको, और उससे आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, ठीक है, ये वो एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। आस्क फॉर हेल्प, आपको बोला जा रहा है मदद मांगो, अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हो मदद मांगो, मांगो मदद। स्कॉर्पियो अवेलेबल है आपकी टीम यहाँ पर, आर्क एंजल माइकल है, अगर आप आर्क एंजल माइकल के साथ कनेक्टेड हैं, आप उनसे उनके साथ काम करते हैं, डेफिनेटली आप में से कुछ लोग होंगे तभी आर्क एंजल माइकल यहाँ पर आए हैं, वो आपको श्योरिटी दे रहे हैं, वो आपके साथ हैं, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो गाइस, ठीक है, मदद मांगो। एंगेजमेंट, ओह माय गॉड, रिकंसिलिएशन भी है, एंगेजमेंट भी है, तो यस, किसी के लिए यहाँ पर कोई रिश्ता हो सकता है, ठीक है, आपकी एंगेजमेंट यहाँ पर हो सकती है, ओके। इवन अगर किसी की एंगेजमेंट टूटी थी, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा था कि उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई थी, तो वो सिचुएशन भी हील होती हुई दिखाई दे रही है। बट स्कॉर्पियो, एक मैसेज है आपके लिए, ये जो भी रिकंसिलिएशन वाली एनर्जीज है ना, रिकंसाइल करना, दोबारा से वो जो चीज़ें ठीक होना, जुड़ना, चाहे वो करियर है, रिश्ता है, कोई पर्टिकुलर पर्सन है,
अपने आप को थोड़ा मुक्त करो इस एनर्जी से, ठीक है। ये चीज़ आना चाह रही है आपके पास, ठीक है, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए अगर है तो आना चाह रही है, पर आप उसकी नेगेटिव मेमोरी को लेकर के बैठे हुए हो, नकारात्मक जो हुआ था ना नेगेटिव आपके साथ इस सिचुएशन में, उस चीज़ को लेकर के बैठे हुए हो, तभी वो चीज़ आ नहीं पा रही है, ठीक है, वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। तो आपको बेसिकली वो मेमोरी को रिलीज़ करना है, डिवाइन यहाँ पर आपको बोल रहे हैं उस मेमोरी को रिलीज़ कीजिए, ओके। एंड यस, यहाँ पर हेल्थ है, तो हेल्थ का थोड़ा ध्यान आपको देने की ज़रूरत है, हेल्थ की एनर्जीज आई है यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हेल्थ को लेकर के थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, खासकर आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ का आपको खासा ख्याल रखने की ज़रूरत है। और ये एनर्जीज मुझे ऐसी भी मिल रही है, अगर कोई किसी हेल्थ इश्यूज से सफ़र कर रहे हो आप लोग, तो आपको गाइडेंस मिलेगी, सही गाइडेंस मिलेगी। उसकी शर्त ये है कि आप जैसे कि मदद मांगे, ठीक है, डिवाइन से मदद मांगे, यहाँ पर मैं किसी फिजिकल फॉर्म से मदद मांगने की बात नहीं कर रही हूँ, वो अपने आप अवेलेबल होगी अगर आप डिवाइन से मांगेंगे, जरिया तो लोग ही होंगे ना आप तक पहुँचने का। तो डिवाइन से मदद मांगिए, आपने एंजल से मदद मांगिए, आपकी तरफ कोई ना कोई ऐसा मैसेज आएगा, कोई पर्सन आपको सही गाइडेंस दे सकता है इसके रिगार्डिंग कि आप यहाँ से ट्रीटमेंट कराएं, या ये डॉक्टर इसका स्पेशलिस्ट है, राइट, तो वो आपकी हेल्प होगी यहाँ पर, ओके। वाओ, स्पिरिचुअल टीचर, योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स टीचिंग अदर्स अबाउट हीलिंग एंड स्पिरिचुअलिटी, ब्यूटीफुल। भाई आप लोगों का तो ये लीजिए, आप भी देख लीजिए, ठीक है, आप में से कुछ लोगों का यहाँ पे लाइफ पर्पस है ये, आप एक स्पिरिचुअल टीचर हो, या तो हो सकते हो या फिर आगे आने वाले टाइम में, समझ रहे, इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, ये आपका बेसिकली लाइफ पर्पस है, ओके। आप लोगों को हील कर सकते हो, आप एक स्पिरिचुअल टीचर हो, ये यहाँ पर मुझे वो एनर्जीज मिल रही है द हायरोफेंट की, ब्यूटिफुल। स्कॉर्पियोज, अपने ऊपर डाउट करना बंद कर दो, आप में से बहुत लोग मुझे हीलिंग प्रोसेस में लग रहे हो, आई मीन आप हीलर्स हो सकते हो ऑलरेडी, टैरो कार्ड रीडर्स हो सकते हो यहाँ पर जो देख रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर्स भी हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, किसी ना किसी हीलिंग प्रोफेशन में आप लोग हो सकते हो, किसी ना किसी तरीके आपका प्रोफेशन ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को गाइड करते हैं, ओके। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनका प्रोफेशन ये है कि आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, और अगर अभी ऐसा नहीं है तो आने वाले समय में, बिलीव मी, यहाँ पर वो एक है क्लिक आप कुछ ना कुछ ऐसा करने वाले हैं कि आप लोगों के लिए, जिसे कहते हैं ना मसीहा बनना, ठीक है, उनके लिए एक गाइड का काम आप करने वाले हैं, काउंसलिंग आप उनकी कर सकते हो, ठीक है, हील आप उनको कर सकते हो, आपके अंदर वो एबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर वो पावर है, तो अपनी उस पावर के साथ कनेक्ट हुई है, उसको जानिए। अगर आप इस पाथ पर आगे बढ़ना भी चाहते हो, इनकेस अगर अभी आप किसी और पाथ पे हो, ठीक है, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर आप किसी और करियर पाथ पर हो और आपका अट्रैक्शन है ओकल्ट की तरफ, हीलिंग्स की तरफ, ठीक है, ओकल्ट में किसी भी साइड में, तो आपको बोला जा रहा है सिर्फ आगे बढ़ो गाइस, ठीक है, अपने आप को बांधो नहीं। यस, यहाँ पर ये थोड़ा आपको सुनने की ज़रूरत है, एक गुरु की भूमिका आप लोग निभा सकते हो। माय गॉड, डिवाइन टाइमिंग, सी मैं आपको बोल रही हूँ ना, आगे बढ़ो, क्योंकि ये डिवाइन टाइम है, दिस इज़ द डिवाइन टाइमिंग, ये सही वक्त है आगे बढ़ने का, ये सही वक्त है एक्शन लेने का। अगर आप यहाँ पर आगे बढ़ना चाहते हो, रेकी हीलिंग में जाना चाहते हो, प्रैनिक हीलिंग में जाना चाहते हो, क्रिस्टल हीलिंग में जाना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग में जाना चाहते हो, मतलब किसी में भी, जिसमें भी आपका ऑकल्ट की तरफ इंटरेस्ट अगर है ना, तो या फिर जो भी आपका बेसिकली पैशन है, जो आपको इंट्यूटिवली अंदर से जो एक खींच पड़ रही है, ठीक है, क्योंकि मैंने भी मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और उनके भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि वो कर कुछ रहे थे, कुछ हो रहे थे, और एकदम से क्लिक हुआ वीडियो देखते ही कि हाँ मुझे ये करना है। तो कहते हैं ना, जब डिवाइन टाइम आता है तो इंसान वहाँ आगे बढ़ जाता है, वो कदम ले लेता है, तो आपको भी यहाँ पर वो बोला जा रहा है कि ये डिवाइन टाइमिंग है, ब्यूटिफुल।
एवरीथिंग इज ओके, डोंट वरी, इट्स ऑल वर्किंग आउट इन अ ब्यूटीफुल वे. वाओ, अगर आपको किसी चीज़ में डाउट्स है या किसी भी पाथ पर अगर आपको डाउट है तो आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा. क्योंकि बेसिकली ये चीज़ें प्लान्ड है, डिवाइन की तरफ से प्लान्ड है ये चीज़ें. तो घबराओ मत, मैं आपको बोल रही हूँ ना, घबराओ मत. ये बेसिकली ये वो एनर्जीज हैं जहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि आपको रिस्क लेने की ज़रूरत है, आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है. आपको एक पाथ दिखाया जा रहा है, आपको एक रास्ता दिखाया जा रहा है, आपके लिए दरवाज़ा खोला जा रहा है, पर आप थोड़ा सा डर रहे हो. क्यों? क्योंकि आपकी आँखों पर पट्टी है. ये जो पट्टी है ना, वो माइंड की पट्टी है. आपका दिमाग आपको देखने नहीं दे रहा है, वो बहुत लॉजिकल वे में चल रहा है. समझ रहे हो कि ये सही रहेगा या ये कुछ अलग हो गया, ये कर होगा कि नहीं होगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. तो ये बहुत कुछ चल रहा है आपके दिमाग में. समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं कि फॉलो करो उस पाथ को जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है. राइट? वाओ, सिंक्रोनिसिटी. लीजिए, योर प्रेयर्स एंड क्वेश्चंस आर बीइंग आंसर्ड बाय सिंक्रोनिसिटिक इवेंट्स. नोटिस देम इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर फ्लो. देखो, आपको ना यहाँ पर सिंक्रोनिसिटीज दिख रही हो सकती हैं डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर वो मैसेज आया है. ठीक है, नंबर्स कोई भी देखिए, नंबर्स के थ्रू हो सकता है, या फिर देखिए अब जैसे कि आपको ये रीडिंग सुनने की ज़रूरत थी, आपको ये मैसेज सुनने की ज़रूरत थी. क्योंकि यहाँ पर ये मैं आपकी आपको नहीं दे रही हूँ मैसेज, ये डिवाइन की तरफ से मैसेज है. आपने प्रार्थना करी है ना, प्रेयर करी है, तो डिवाइन आपको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं. उनकी प्रेजेंस है यहाँ पर, एंजल्स की प्रेजेंस है यहाँ पर, तो वो आपको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो सही वक्त पर सही चीज़ देखना, सही मैसेज रिसीव करना. होता है ना कि आपने एग्जैक्टली अगर फ़ोन ऑन किया, आपको 10-10 दिख रहा है, आपको 11-11 दिख रहा है, आपको 111 दिख रहा है, आपको 555 दिख रहा है, 111 दिख रहा है, ठीक है, 333 दिख रहा है, 222 दिख रहा है, सिंक्रोनिसिटीज. ठीक है, या फिर आपको लगा कि मुझे मतलब आप किसी दुविधा में हो, ठीक है, और कोई दो जन आपस में बात कर रहे हैं आपके पास खड़े हुए, या आपके घर में कोई बात कर रहा है, उसी में से आपने वो क्लू निकाल लिया. समझ रहे हो आप? या फिर आप किसी सॉन्ग के बारे में ही सोच रहे हो और वो सॉन्ग प्ले हो गया आपके फ़ोन में या रेडियो में या घर में चल गया या किसी पड़ोस के वहाँ पे चल गया. समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ऐसे कोइंसिडेंसेस जो कि कोइंसिडेंस नहीं है, ऐसी सिंक्रोनिसिटीज बहुत होंगी आपकी आपके साथ. तो बेसिकली उसका मतलब यही है कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं या फिर जो भी आपके मन में चल रहे हैं ना, उसके आंसर्स आपको मिलने वाले हैं. ठीक है, तो उन पर फोकस कीजिए, उनको इग्नोर मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, डिकोड करने की कोशिश कीजिए कि उस वक्त पे, उस वक्त के आसपास आप क्या सोच रहे थे, क्या प्लानिंग कर रहे थे, या क्या आपके दिमाग में चल रहा था, क्या आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही थी. तो आपको उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है. समझ रहे हो? ये थोड़ा सा ना इनर वर्क पे, इनर वर्क नहीं कहूँगी मैं, मतलब अपने बहुत गहराई में जाने की ज़रूरत है, मतलब अलर्ट होने की ज़रूरत है इस वक्त में आपको. वरना होता है ना यहाँ पर आपको कोई बिलीव मी, ये जो एवरीथिंग इज ओके का कार्ड है ना, ये मुझे जजमेंट की ऊर्जा लग रही है आपके लिए. यहाँ पर मुझे जजमेंट का कार्ड दिखा रहे हैं डिवाइन, कि ये आपके लिए सेकेंड चांस है, सेकेंड चांस आपके लिए. समझ रहे हो आप? ये सेकेंड चांस है गाइज आपके लिए. ऑर्गेनिक फूड्स इस मोमेंट पर, इस टाइम पीरियड में, ये जो टाइम पीरियड आपका चल रहा है, ठीक है, इस टाइम पीरियड में आपको ऑर्गेनिक फूड्स ज़्यादा खाने की ज़रूरत है. ठीक है, ऑयली फूड से डिस्टेंस बना लीजिए, बाहर के खाने से डिस्टेंस बना लीजिए. ठीक है, ऑर्गेनिक फूड्स, फ्रेश फ्रूट्स का सेवन कीजिए, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है. क्योंकि जैसा खाते हैं हम, वैसा ही हमारा माइंडसेट भी रहता है, वैसी हमारी सोच रहती है, वैसे ही हमारी ऊर्जा भी रहती है. तो ये चीज़ आपको अभी ध्यान रखने की ज़रूरत है, इसी छोटी छोटी चीज़ों पर आपको ध्यान बेसिकली रखने की ज़रूरत है. लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, आपको बोला जा रहा है ज़िंदगी को जी भर के जियो. ठीक है, लाइफ बहुत, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, और जो भी आपको चांसेस मिल रहे हैं ना, उसे खो मत. समझ रहे हो? खोना नहीं है उन चांसेस को, उस पर एफर्ट्स डालो, आगे पढ़ो, खुल करके जियो जो आप करना चाहते हो. ठीक है, इतना स्ट्रेस लेकर के मत जियो, आपको बोला जा रहा है. डिवाइन से शेयर करो अपनी प्रॉब्लम्स को, आपके पास स्पिरिचुअल सपोर्ट है. एंड फॉलो योर ड्रीम्स, एग्जैक्टली, फॉलो योर ड्रीम्स, फॉलो योर इंट्यूशन. अपने ड्रीम्स को फॉलो कीजिए, जो आपके सपने हैं, या फिर मैं कहूँगी जो आप करना चाहते हो,
उनको फॉलो कीजिए। ये सबसे बड़ा मैसेज है, इसलिए आप इस रीडिंग में आए हो। ओके, हाँ मैंने कभी पूछा भी नहीं। ओ माय गॉड, देखिए बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन। भाई अगर इतने हायर एनर्जीज यहाँ पर है तो आपको थोड़ा बहुत, तो अगर आप देखते हो टैरो को तो थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी आपको। मैजिशियन का कार्य यही कह रहा है कि आपके ड्रीम्स आप खुद मैनिफेस्ट कर सकते हो, बस उसको लेकर के एक्शन लीजिए। टीम आपके साथ है, डिवाइन टीम आपके साथ है, आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुली ग्रो करेगी। ठीक है, बस ऑनेस्टी और पैशन के साथ आगे बढ़ते रहिए, प्योरिटी और पैशन के साथ आगे बढ़ते रहिए। बट ये वक्त जो है एक्शन लेने का है माय डियर। इस वक्त में आप ऐसे छोड़ नहीं सकते हो, समझ रहे हो कि सोच सोच में आपने समय निकाल दिया, ये नहीं करना है आपको। एक्शंस लीजिए, एक्शन लीजिए। और अगेन ये जो एनर्जीज है ना एट ऑफ वॉन्ड्स की, जैसे कि मैंने बोला रिकंसिलिएशन का मैसेज था आपके लिए, कि कोई मैसेज कोई कॉल, ठीक है, खास करके करियर वाइज यहाँ पर जो मैंने आपको बोला था कि कोई कॉल कोई मैसेज कोई ईमेल आपकी तरफ यहाँ पर आ सकता है। ओके, तो आपको बेसिकली आप जो अपनी लाइफ में चाहते हो, जो ड्रीम्स हैं आपके, आप वो पूरे कर सकते हो यहाँ पर, और आपको पूरे करने हैं, वो होंगे भी, बट आपको उसके लिए एक्शंस लेने हैं प्रॉपर, जिसे कहते हैं ना प्रॉपर वे में। अपने माइंड को सेट कीजिए, आपकी इंट्यूशन क्या आपको बोल रही है उसको फॉलो कीजिए, उस बेसिस पर आप एक्शन लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए इस कार्ड से भी निकाल लेते हैं आपके लिए। थैंक यू माँ, थैंक यू पापा। क्या कहना चाहते हैं आप स्कॉर्पियोज को? अवेकनिंग। ओ माई लॉर्ड, वेक मी फ्रॉम लाइफ एज अ स्पिरिचुअल शीप। मे आई हेयर यू थ्रू माई ओन इंस्ट्रक्शंस कॉमन सेंस। सी यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा है, आप लॉर्ड कृष्णा के भी भक्त हो सकते हैं, बट यहाँ पर जो नॉर्मल मैसेज है ना कि अपनी इंस्टिंक्ट को, अपनी गट फीलिंग को, अपने इंट्यूशन को यहाँ पर फॉलो कीजिए। वो जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है ना, मैसेज दे रही है, वो आप डायरेक्टली आपके डिवाइन का मैसेज है आपके लिए, तो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते गाइस। ठीक है, इसलिए आप इस समय इस वीडियो को देख रहे हो, इस मैसेज को रिसीव कर रहे हो, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि आप ये सुने, आप उसे फॉलो करें। ओके, तो यस माय डियर स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हो, मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरा प्रोफेशनल टैरो लर्निंग कोर्स जो है ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।